अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी साहब, दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हाँ जी, हम आ गए हैं मुल्तान में। एक बकरी के दीवाने छुपे हुए हैं इधर भी, जो कि फुल दीवाने हैं, लेकिन बता नहीं रहे थे। एक ना कोने में साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, बता नहीं रहे थे किसी को किधर हैं हम, क्या हैं, लेकिन दीवाने फुल हैं माशाल्लाह। अच्छा शौक है इनका। कुछ बकरे रखे हुए हैं और कुछ जो हैं वो बकरियाँ भी साथ रखी हुई हैं, गाय भी रखी हुई हैं, और कोशिश है इनकी कि एक दो घोड़ा भी रख लें साथ अच्छा रौनक बन जाए इनके फार्म के ऊपर। एक जी होटल बीतल भी इन्होंने रखी हुई है, इसके बच्चे आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। इनके फार्म के ऊपर क्रॉस तो नहीं थी, लेकिन बच्चे इनके फार्म के ऊपर डिलीवर किए हैं उसने। दानिश भाई, ये कब इसने दिए हैं ये सेवन बच्चे? डेज के हैं जी। 7 डेज। नर मादा है? नर मादा। माशाल्लाह। एक ये जी कुछ इन्होंने मादा रखी हुई है। ये जी इनकी होम ब्रीड है, और ये सोच रहे हैं कि बाहर से शायद ऐसे मिल जाएं। ये कितनी इनकी एज है जी? इनकी 35 डेज है जी। 35, 35 दिन के हो गए हैं। और ये भी? ये नहीं, ये 45 डेज की है। ये अकेला है? ये अकेली एक दी थी। और ये जो मक्खी चीना जा रहा है, ये दो हैं, ये एक उसके साथ है ये वाला। अच्छा माशाल्लाह, ये 35 दिन के? हाँ जी 35 दिन। और अभी इनके वेट का आपको कुछ अंदाजा है? इनके 12 kg है ये। पैदा कितने कितने के जी की हुए थे? ये 4.5 kg। ठीक हो गया, यानी तकरीबन 4.5 kg के पैदा हुए थे, और अभी 35 दिन के हो गए हैं, और वज़न इनका हो गया है 12 kg। माशाल्लाह जी, इनकी होम ब्रीड है, साथ इनके बकरे रखे हुए हैं इन्होंने। खुराक का भी टाइम हो गया है, तो इनसे पूछते हैं कि खुराक में क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा दानिश भाई, आप क्या क्या इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वंडे में? जी शाम के टाइम जो हम वंडा दे रहे हैं, इसके अंदर टोटा चावल है, ठीक है, गुल्ली है, मकई है, और चना जिसे कहते हैं, ठीक हो गया, और साथ हम दे रहे हैं मकई का दलिया, और इसके अंदर सरसों का ऑयल हमने मिक्स किया, ठीक है। ये आपके पास माशाल्लाह कितने हैं टोटल बकरे? ये इस टाइम हमारे पास हैं तकरीबन 52। सब कुर्बानी के लिए? ये सब कुर्बानी के लिए। धुंधे हैं सब? सब धुंधे जी। खस्सी हैं या कुछ आंडू भी? एक हमारे पास ब्रीडर है बस, वो आंडू है। हाँ वो आंडू है, वो तो बाकी सारे खस्सी हैं। बाकी सारे खस्सी हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये इतने आप छुप के क्यों बैठे हुए हैं साइड के ऊपर, शौक क्यों नहीं हो रहे हैं? शौक तो आपने माशाल्लाह बनाया हुआ है अच्छा, लेकिन आप छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी ये कुर्बानी के आप सब सेल करेंगे इंशाल्लाह? अगर कल ही कोई दोस्त आ जाता है तो फिर? माशाल्लाह जी, शौकीन बैठे हुए हैं बहुत बहुत, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी में बरकत देगा। माशाल्लाह जी, दो दांत हैं जी। माशाल्लाह, दो दांत हैं? दो दांत। अभी हुआ है? ये अभी हुआ, ताज़ा दो दांत। क्या बात है, ये भी सेल करेंगे कुर्बानी को? माशाल्लाह। और ब्रीडर अलग से देना? हाँ, पार्टीशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जानवर जो होते हैं वो मस्कीन होते हैं, वो नहीं खाते हैं, खा नहीं पा रहे हैं। देखें कोई इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। ये पानी जी रखा हुआ है ना, साथ इसमें चूना मिक्स करते हैं, अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इसमें। कुछ मेरे ख्याल में आपने जानवर सेल भी किए हुए हैं? हाँ जी, इसमें कुछ सेल कर दिए, वो उन्होंने हमारे पास रखे हुए हैं, 5,000 पर मंथ देते हैं उन्होंने जी। ठीक हो गया। अगर कुछ ऐसा बंदा मुल्तान में शौकीन हो, वो बोले कि अभी मैं ख़रीद लेता हूँ आपसे, लेकिन 2 मंथ रखना आपने, तो फिर? हाँ वो रख लेंगे, हमें कोई इशू नहीं, कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही, कुछ लोग होते हैं वो उनका दिल होता है कि जानवर खरीद लिया जाए, लेकिन उनके पास रखने की जगह नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई मुल्तान से है भाई, अगर ये ख्वाहिश रखता हो कि मैं जानवर अभी जो है ना परचेज़ कर लूँ, तो ये जी 2 मंथ जो है ना वो आपका जानवर रख लेंगे। सांस वाली चीज़ है, बाकी इतफा वही है ना, बाकी कोशिश ये मेडिकेशन के वाले से फुल करेंगे, सब कुछ इनका ही होगा, वो बाद में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। थोड़ा दो ये जी एक ब्रीडर रखा हुआ है,
मक्की चीना ब्रीडर है। दानिश भाई आपके पास वो सब मक्की चीनी है, एक तो पाठ और नहीं है होटल बीतल जो है, हाँ, उसको क्रॉसिंग के लिए क्या करेंगे? ये मक्की चीनी? हाँ मक्की चीनी थे, वो तो शौक के तौर पे ले आए थे बस। हाँ शौक था, होटल बीतल रखे हैं, होटल बीतल अभी क्रॉस उस पे लेंगे। दानिश भाई अगर 100 बकरा रखा जाए तो क्या आपका क्या ख्याल है कि उसमें से कितने बकरे आपकी ग्रोथ नहीं देंगे सर? अंदाजा जो 4 महीने का एक्सपीरियंस है ना, हाँ उसमें ही ये 15-20 निकल आते हैं। निकल आते हैं ना, 100 में से जो ग्रोथ नहीं आ रहा बिल्कुल ऐसे ही, जो देखने हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा ये भी, इसको पता नहीं क्या इश्यूज आ गए। और आप ये क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ बकरे नहीं देते हैं उसमें मालक की कुताही है या जानवर की हड्डी है? जानवर की हड्डी है 100% क्रॉस में से ठीक हो गया उसमें, यानी मालक की कुताही नहीं आप समझ सकते कि है उसमें यानी। तो जी तकरीबन 20-25 किलो वंडा था और खुरलियाँ देख लें, ये बहुत परेशान है, बोलते हैं समझ नहीं आती है वंडा जाता किधर है। कैसे किया ये तकरीबन? इन्होंने बोला था आप सामने डालना है वंडा, आप देखेंगे खाली कैसे करते हैं एकदम में। हम मैं बोलता हूँ आधा किलो बहुत अफाबिया इनके, ये बोलते हैं यार एक एक किलो भी कुछ बना नहीं रहे हैं, 3 मिनट लगाते हैं, वही बात हुई है जी खाली कर दिया उन्होंने, शौक से खा रहे हैं जानवर इनके। ये सब एक जगह से आपने प्रत्येक कुछ तो आप हमसे लेके आए थे मेरे ख्याल 10? ये कुछ आपसे बकरे लिए हैं, कुछ मैंने अहमदपुर शर्किया मंडी से, कुछ मुदरसा मंडी से, कुछ मुल्तान मंडी से, और बस मिक्स हर जगह से हम इकट्ठे करते रहे। माशाल्लाह हनीफ एक सगारी और लगा।